क्या आप भी कुछ इस तरह से स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट अपने पिक्सल लैब में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस फॉन्ट को कैसे ऐड करते हैं पिक्सल लैब में और कहां से डाउनलोड करते हैं? तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिटेल्स में, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहेगी। तो फॉन्ट कहां से डाउनलोड करना है और पिक्सल लैब में कैसे ऐड करना है उसे सारा कुछ चल के हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ लिख लेता हूँ हिंदी में। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भारत, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भारत लिख लिया है। अब आप यहाँ पर फॉन्ट में जाते होंगे तो पिक्सल लैब में यही सारे बेसिक कुछ फॉन्ट देखने को मिलते होंगे जो कि पिक्सल लैब में ऑलरेडी रहते हैं। मैंने यहाँ पर कितने सारे फॉन्ट ऐड किए हुए हैं अलग अलग तरह का हिंदी स्टाइलिश फॉन्ट। आपको पिक्सल लैब में ये सारे फॉन्ट नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड करके ऐड किए हुए हैं सारे फॉन्ट, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने फॉन्ट चेंज किया तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आपको भी ऐड करना होगा फॉन्ट, इसके लिए आपको फॉन्ट सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपली सर्च बार में टाइप करना है गूगल हिंदी फॉन्ट। आपको सिंपली ये टाइप करके सर्च कर लेना है। ये मेरा अभी डेस्कटॉप मोड में है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फोन वाले मोड में ले आता हूँ। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है, ब्राउज फॉन्ट्स लिखा हुआ है। इसी में आपको अनलिमिटेड कई सारे हिंदी फॉन्ट्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसमें से फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं कई सारे हिंदी फॉन्ट्स मेरे सामने आ चुके हैं। तो आपको इसमें से जो भी पसंद आए, जो भी अच्छा लगे, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये फॉन्ट डाउनलोड करना है, टेको लिखा हुआ है, ये फॉन्ट मुझे डाउनलोड करना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर फॉन्ट के सारे साइज वगैरह आ चुके हैं। आपको जो भी साइज इसमें से पसंद आए उस पर आपको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मली डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर गेट फॉन्ट पर क्लिक करना है। गेट फॉन्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं कई सारे फॉन्ट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए थे इस वेबसाइट से। तो सबसे पहले इन सभी को रिमूव कर देता हूं और अभी जो मैंने सेलेक्ट किया था उसको डाउनलोड करते हैं। तो मैं यहां पर अभी ये सेलेक्ट किया था, देख सकते हैं यहां पर डाउनलोड ऑल का ऑप्शन आ चुका है और वन फॉन्ट है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। अभी आप वीडियो को कट मत कीजिएगा क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको पिक्सल लैब में फॉन्ट ऐड करना पड़ेगा और ये डाउनलोड हुआ फॉन्ट ऐसे ही ऐड नहीं होगा। इसके लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर को सिंपली ओपन कर लेता हूँ। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद दोस्तों रिसेंट टैब में ही आपको वो फॉन्ट देखने को मिल जाएगा या फिर आपको डाउनलोड फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं रिसेंट टैब में ही हमको ये टेको फॉन्ट देखने को मिल चुका है। तो सबसे पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके आपको इस फॉन्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। आप हिंदी फॉन्ट या फिर फॉन्ट के नाम से कोई भी फोल्डर बना लीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, सिंपली मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं हिंदी फॉन्ट नाम से फोल्डर ऑलरेडी मेरे पास है। तो मैं इसमें सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। आपको सिंपली यहां पर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब आपको पिक्सल लैब को फिर से ओपन कर लेना है। तो मैं यहां पर पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूं और फॉन्ट वाले सेक्शन में आपको चले जाना है और यहां पर सेकंड नंबर पर माई फॉन्ट्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर ऊपर में दो आइकन दिख रहे होंगे, तो सिंपली आपको सेकंड वाले फाइल मैनेजर का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको उस फोल्डर को ढूंढना है जिसमें आपने अपने फॉन्ट को एक्सट्रैक्ट किया था। तो मेरा फोल्डर ये रहा हिंदी फॉन्ट के नाम से। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और ये देख सकते हैं टेको वाला फॉन्ट आ चुका है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ऐड डिक्शनरी पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड डिक्शनरी पर क्लिक किया तो फॉन्ट मेरा ऐड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो भारत कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल फॉन्ट के वेबसाइट पर बहुत सारे फॉन्ट हिंदी फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको इसमें से जो भी फॉन्ट पसंद आए उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बहुत ही आसानी से फॉन्ट को डाउनलोड और पिक्सल लैब में ऐड कर पाए होंगे। अगर आपको फॉन्ट ऐड करने में कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आपको इधर दिख रहा होगा तो जाकर फॉलो कर लीजिएगा।
और इस तरह के स्टाइलिश हिंदी फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, तो जल्दी से जल्दी टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने सभी क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।